للناس وبينات من الهدى والفرقان नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सामाईन, यह मज़मून अल्लामा मोहम्मद शहाबुद्दीन नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लाम और जदीद साइंस से माखूज़ है। इसका मौजू है क्या ज़मीन के अलावा दूसरे सैयारों में ज़िंदगी मौजूद है, ज़मीनों की कसरत तदाद। क़ुरानी नजरे के मुताबिक इस वसी व अरीज़ कायनात में सिर्फ़ एक ही ज़मीन नहीं है, बल्कि हमारे पूरे अर्ज़ की तरह मुतअद्दिद ज़मीनें मौजूद हैं। जैसा कि इरशाद बारी है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्न यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उन्हीं की तरह ज़मीनें भी। इन तमाम अजराम में अम्र इलाही नाजिल हो रहा है। ये करिश्मे वो इसलिए दिखा रहा है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, और यह कि अल्लाह का इल्म कायनात की हर चीज़ पर मुहित है। इस आयत पाक में मिसलहुन्ना के अल्फाज बहुत ज़्यादा काबिल गौर हैं। सवाल यह है कि मिसल से क्या मुराद है और तशबीह किस चीज़ में दी गई है। तो इसके हस्ब ज़ैल 3 जवाब हो सकते हैं। पहला, 7 आसमानों की तरह 7 ज़मीनें पैदा की गई हैं। दूसरा, मुतअद्दिद आसमानों की तरह मुतअद्दिद ज़मीनें पैदा की गई हैं, यानी इस सूरत में तशबीह मुतलक़ तादुद में है और कोई मुतय्यन तदाद मुराद नहीं। तीसरा, मसल का ताल्लुक़ खल्क़ से है, यानी जिस तरह उसने आसमान पैदा किए हैं इसी तरह ज़मीनें भी पैदा की हैं। मगर हदीस शरीफ में, जो कुरान करीम ही की शरह व तफसीर है, सराहत मौजूद है कि 7 आसमानों ही की तरह 7 ज़मीनें भी मौजूद हैं। मसलन तिर्मिज़ी की एक हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने 7 आसमानों का तस्करा किया, जो एक के ऊपर एक वाक़ हैं और हर दो के दरमियान 500 साल की मसाफत है। इसी तरह एक के नीचे एक 7 ज़मीनें भी मौजूद हैं, जिनमें हर दो के दरमियान 500 साल का फासला है। मगर इस मौके पर 500 साल की मसाफत के जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो ग़ालिबन बेइंतहा दूरी की ताबीर की खातिर होंगे, या फिर इसका मतलब मौजूदा नूरी साल के पैमाने से ज़्यादा सरीउल हरकत कोई फ़ौक़ तबी पैमाना होगा। गर्ज़, एक और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने जब आलम अरवाह में तमाम इंसानों से अहद अलस लिया था तो उस मौके पर फरमाया, मैं तुम पर 7 आसमानों और 7 ज़मीनों को शाहिद बनाता हूँ। एक और हदीस में आता है कि इस शख्स ने दुनिया में एक बालिश भर ज़मीन भी जुल्म के तौर पर ले ली हो तो उसको क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तोक़ पहनाया जाएगा। इस तरह की और भी हदीसें हैं जिनसे 7 ज़मीनों की हकीकत पर रोशनी पड़ती है। इस लिहाज से इस मफ़हूम से हटकर कोई दूसरा मफ़हूम अख्ज़ करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस मौके पर एक अहम सवाल यह है कि ये ज़मीनें कहाँ हैं। आया हमारे ही निज़ाम शमसी में या दीगर सितारों यानी स्टार्स के शमसी निज़ामों में? तो अगरचे इस बाब में कवी इम्कान यही है कि ये ज़मीनें दीगर शमसी निज़ामों में पाई जाती होंगी, मगर यह भी मुमकिन है कि ख़ुद हमारे निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन के अलावा भी कोई ऐसा ताबे सैयारा मौजूद हो जो आबादी के लिए मौज़ून हो सकता हो। तदाद अर्ज़ की बहस में मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही माने मुराद लिए हैं कि इससे मुराद दीगर सैयारे होंगे। असल में लुग़वी एतबार से अर्ज़ का इतलाक़ रोईदगी और सब्ज़ादारों से लबरेज़ मकाम पर होता है। अर्ज़ा या अरुज़ु अर्ज़न अलमकान कसुरा उशबुहु वज़्दहा व हसुना फ़िल ऐन, यानि किसी जगह का सब्ज़े से भरपूर पुररौनक और खुश मंजर होना। इस मौके पर एक सवाल जहन में ये पैदा होता है कि हमारी कायनात में कहकशाओं गैलेक्सीज़ की तादाद अरबों तक पहुँच चुकी है और ख़ुद एक एक कहकशा में लातदाद सितारे या स्टार्स मौजूद हैं, तो फिर ज़मीनें सिर्फ 7 ही क्यों? तो इसका जवाब देना अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अब तक साइंसी नुक़्ते नज़र से हमारी ज़मीन के सिवा किसी भी दूसरे सैयारे यानी प्लैनेट में ज़िंदगी का वजूद साबित नहीं है, अगरचे इम्कानात तो तस्लीम की जाते हैं। लिहाजा ये सवाल उस वक्त पैदा होगा जब खुद साइंस 7 से ज़्यादा अजराम या कुर्रों में ज़िंदगी का वजूद साबित कर दे। इस लिहाज से मौजूदा हालात में तो हमें साइंस से ज़्यादा कुरान और हदीस तरक्की याफ्ता यानी एडवांस नज़र आते हैं, और साइंस जब मज़ीद आगे निकल जाएगी तो वो और ज़्यादा तरक्की याफ्ता नज़र आएंगे, जैसा कि इस मजमून के मंदरजात और इंकशाफात से ज़ाहिर होगा कि जदीद साइंस तो इस बाब में अब तक चुनाव चुनी की हालत में है, जबकि कुरान और हदीस में इस बारे में नहायत दर्जा क़तईयत के साथ बहुत से उमूर का इस्बात और बहुत से तबीई फिज़िकल मसाइल का हल नज़र आता है। अजरा में सवावी में ज़िंदगी। बहरहाल कुरान हकीम में इस बात की तसरीह मौजूद है कि हमारी ज़मीन ही की तरह बहुत से अजरा में सवावी में भी हर किस्म के जानदार पाए जाते हैं। वमिन आयाति ही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ वमा बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बा, यानी और उसके वजूद के दलाइल व निशानात में से ये बात है कि उसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया और उनमें हर किस्म की जानदार फैला दी है। इस आयत करीमा में जिन अजराम को समावात के लफ्ज़ से ताबीर किया गया है, इन्हीं अजराम को सूरह तलाक़ की मज़कूरा बला आयत में ज़मीनों के लफ्ज़ से मसूम किया गया है। वाज़ेह रहे कि लफ्ज़ अर्ज़ इसमें जिन्स भी है, इस लिहाज से हर ऊपरी ज़मीन नीचे वालों के लिए बमंजिल समा ऊपरी मंजिल के है, अगरचे उसका इतलाक़ ख़ुद उसकी अपनी ऊपरी मंजिल के लिहाज से अपनी जगह पर अर्ज़ ही पर होता है। गोया कि हर ज़मीन एक हैसियत से अर्ज़ भी है और दूसरी हैसियत से समा भी। मगर ताजुब होता है कि मौजूदा साइंसी दौर से 17 साल कबल 12वीं सदी ईस्वी में मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने इन तमाम हक़ाइक़ का इदराक कैसे कर चुके थे। चुनांचे आप फरमाते हैं, नर्द बा नहा ईस्त पिन्हा दर जहाँ पाया पाया ताइना आसमां हर कुर्रा रा नर्द बाने दीगरस्त हर ज़मी रा आसमाने दीगरस्त। अजरा में समावी के अख्तलाफात। ये बात खूब समझ लेनी चाहिए कि कुरान मजीद दीगर सैयारों या अजरा में समावी में हर किस्म की ज़िंदगी के वजूद का कायल है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि तमाम सैयारों पर बिला इस्तिस्ना लाजमी तौर पर हर किस्म की ज़िंदगी मौजूद भी होगी। जानदार मखलूक का वजूद दरअसल किसी सैयारे के तबीई व फितरी नेचुरल अहवाल व कवायद पर मुनहसर है। लिहाजा हो सकता है कि किसी सैयारे पर ज़िंदगी के आसार व मज़ाहिर पाए जाएँ जैसे कुर्रे अर्ज़, और किसी पर ना पाए जाएँ जैसे कुर्रे कमर। इसी तरह किसी सैयारे पर हयात के इब्तदाई मज़ाहिर पाए जाएँ तो किसी पर तरक्की याफ्ता। गर्ज़ हस्ब ज़ैल आयत करीमा में अजरा में समावी के तबीई हालात व कैफियत के इन्हीं तमाम इख्तलाफात की तरफ इशारा है। फ़क़ज़ाहुन्न सबअ समावातिन फ़ी यौमैन व औहा फ़ी कुल्लि समाइन अमरहा, यानी बस उसने 2 दिन यानी 2 मरहलों में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसके हालात व मुक़्तज़यात के मुताबिक उसका मामला पहुंचा दिया। इस आयत पाक में मामला अम्र मुतलक़ सूरत में नहीं, बल्कि इसका मामला अमरहा इदाफ़त के साथ मज़कूर है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि हर आसमान यानी अरबों कहकशाओं और अनगिनत व लातेदाद सितारों यानी स्टार्स और सैयारों यानी प्लैनेट्स पर मुश्तमिल और हर आसमान के तहत आने वाले अजराम के मामलात मुख्तलिफ हुआ करते हैं, और खुदा का हुक्म हर एक जहाँ के तबई व फितरी हालात के मुताबिक मुख्तलिफ हुआ करता है। नेज़ इस आयत में इस हकीकत की तरफ भी इशारा है कि मुख्तलिफ सैयारों की मखलूक़ात की शक्ल व सूरत, चेहरा व मोहरा, रंग ढंग और हाल चाल में भी इख्तलाफ हो सकता है, और उसकी तायद इससे भी होती है कि शहाबों जो दरअसल अजरा में समावी ही के टुकड़े हैं कि कीमियाई तजिए से ये पता चला है कि इन कायनाती पत्थरों के बुनियादी अज्जा यानी एलिमेंट्स तो बिल्कुल वही हैं जो हमारी ज़मीन के अज्जा बानवे अनासर हैं, मगर इन शहाबों के मरकबात कंपाउंड्स और हमारी ज़मीन के मरकबात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। लिहाजा इन अजराम में आबाद शुदा मखलूक की जिस्मानी साख्त व कैफियत में भी इसी किस्म का अख्तलाफ हो सकता है। उसको एक मिसाल के ज़रिए यूँ समझिए कि किसी 2 ज़बानों में बावजूद बाद हरूफ तहजी और उनके सौती लहजों में इश्तराक होने के उनके अल्फाज व कलिमात की शक्ल व सूरत में कोई यकसानियत व हमांगी नहीं पाई जाती, मसलन उर्दू और अंग्रेज़ी या जर्मन और संस्कृत वगैरह। यही हाल तमाम जहानों के मादी मज़ाहिर, उनके अशकाल व अलवान, उनकी साख्त व तरकीब और उनकी तमाम हयातियाती बुकलमोनियों का भी है। बुनियादी अनासर के इश्तराक के बावजूद इनके मरकबात की ये रंगारंगियाँ दरअसल कुदरत खुदावंदी का बड़ा ज़बरदस्त मुजाहरा हैं, जिससे इसकी वहदत व एकताई का भी बड़ा अच्छा सबूत मिलता है और शिर्क व तवाहुम परस्ती की जड़ें कट जाती हैं। जाहिर है कि तमाम जहानों की तश्कील और उनकी हैरत अंगेज़ नरंगियों में वही 92 अनासर पाए जा रहे हैं जो हमारी ज़मीन पर मौजूद हैं। गोया के कुल जहानों पर एक ही ज़बरदस्त व अजीम फरमान रवा की हुक्मरानी व कहरमानी चल रही है और तमाम अजरा में समावी एक ज़बरदस्त हस्ती की रबूबियत और निगरानी के मातहत रवां दवां हैं और उस कायनात गिर बादशाहत में कोई दूसरा उसका शरीक व सहीम नज़र नहीं आता। ज़मीन और चाँद के अख्तलाफात। बहरहाल जदीद खलाई प्रवाज़ों के नतीजे में जोग्राफियाई हैसियत से ज़मीन और चाँद के अख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं जो अजरा में सामावी के अख्तलाफात बाहमी पर एक मज़ीद सबूत है। मसलन चाँद पर हवा, पानी, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे और हैवानात वगैरह का वजूद नहीं है जो हमारी ज़मीन पर बाइफरात पाए जाते हैं। चुनांचे हस्ब ज़ैल आयात हद दर्जा बलीग़ और मानाखेज़ हैं। वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, यानी और ज़मीन पर तुम्हारे लिए एक वक्त ख़ास तक जाए क़रार और सामान्य ज़िंदगी रखा गया है। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ व जअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून, और हमने ज़मीन पर तुम्हारे कदम जमा दिए हैं और इसमें तुम्हारे लिए हर किस्म के ज़राए माश जो तुम्हारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वदियत कर दिए हैं, मगर इसके बावजूद तुम बहुत कम शुक्रगुजार हो। ऊपर की दोनों आयतें एक दूसरे की तशरीह व तफसीर कर रही हैं। चुनांचे पहली आयत में मुस्तक़र्रुन व मताउन के अल्फाज लाए गए हैं जिनकी तौज़ीह दूसरी आयत में बितरतीब तमकीन, मकन्नाकुम और माइश से की गई है। तमकीन के माने हैं किसी चीज़ का ठहराना, कदम जमाना और क़ुव्वत व इक़्तिदार अता करना वगैरह। अब इस तमकीन फ़िल अर्ज़ में कशिश अर्ज़ यानी ग्रेविटी और कुर्रे हवा यानी एटमॉस्फेयर का दबाव वगैरह सब कुछ आ जाता है जिसके बाइस ज़मीन हमारे लिए मुस्तक़र यानी करारगाह बन जाती है। इसी तरह माइश यानी ज़राए माश में हवा, पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, पेड़ पौधे, किस्म के हैवानात और दीगर तमाम लवाजिमात बखूबी आ जाते हैं जो हमारे लिए मता यानी सामान्य ज़िंदगी बन सकते हैं। हकीकत यह है कि इन दोनों अल्फाज में रमूज़ व असरार का एक दरिया मौजूदन है। फिर दूसरी हैसियत से हमारी ज़मीन की सतह के बरक्स चाँद की सतह बिल्कुल कटी पीटी और हज़ारों शिगाफ़ों और गहरी खाइयों से लबरेज है। चाँद के खलाबाजों ने वहाँ से मिट्टी और पत्थरों के जिन नमूनों को लाया है वो भी हमारी ज़मीन पर पाए जाने वाले नमूनों से बिल्कुल मुख्तलिफ साबित हुए हैं। और आयत ज़ैल में कुर्रे अर्ज़ और अजरा में समावी के इन्हीं तमाम नरंगियों का मुताला करने की दावत दी गई है। इन्न फ़िस समावाति वल अर्ज़ लआयातिन लिलमुमिनीन, यानी बेशक ज़मीन और अजरा में समावी में ईमान लाने वालों के लिए वादह निशानियाँ और दलाइल मौजूद हैं। इससे जहाँ बहुत से हक़ायक़ उजागर होते हैं वहाँ पर एक ख़ास सबक इब्ताल शिर्क का भी मिलता है। जैसा कि गुजर चुका कुल कायनात पर एक अजीम फरमान रवा की हुक्मरानी चल रही है। अब इसका मज़ीद सबूत यह है कि चाँद की मिट्टी जिसको खलाबाज अपने साथ लाए हैं ज़मीनी तख़मों और पौधों के नशोनुमा के लिए बड़ी दरखेज़ साबित हुई है। लिहाजा ज़मीन और चाँद का अपने तबीई व फितरी अख्तलाफात के बावजूद ये तवाफ़ुक़ और इमदाद बाहमी वहदत खुदाई की बड़ी शानदार दलील है। ज़ाहिर है कि इस धरती का देवता कोई और होता और चाँद का देवता कोई और होता तो फिर ये बेनज़ीर तवाफ़ुक़ व हमाहंगी हरगिज़ ना पाई जाती। कलिमात इलाही की हमागिरी। कुर्रे अर्ज़ और अजरा में समावी के ये तमाम इख्तलाफात बाहमी अमरहा के मुताबिक महज एक ज़मीर हा का करिश्मा है जिसकी तफसीर में पूरी कायनात के जोग्राफिया को पेश किया जा सकता है। यानि तमाम अजरा में समावी अरबों कहकशाओं में फैले हुए अनगिनत वलातदा सितारे व सयारे जो जदीद फ़लकी तहक़ीक़ात के मुताबिक एक एक कहकशा में कम अज़ कम 1 खरब होते हैं कि तमाम जोग्राफियाई तफसीलात इस हा के 2 हरफ़ी कूदे में समा जाती हैं। गोया कि इस वसी व बेकरां कायनात के कुल जोग्राफिया को महज एक 2 हरफ़ी लफ्ज़ में समो दिया गया है और इंसान इस कायनात का जोग्राफियाई हैसियत से मुकम्मल सर्वे करके इस हा की पूरी तफसीर कभी नहीं कर सकता। यही वो सरमदी हकीकत है जिसकी निक़ाब कुशाई हज़ब ज़ैल आयत करीमा में की गई है। कुल लौ काना अल-बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िद अल-बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा। कह दो कि मेरे रब की बातों की तफसीर के लिए अगर समंदर भी रोशनाई बन जाए तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समंदर ख़त्म हो जाए, अगरचे हम उसकी मदद के लिए मज़ीद एक समंदर ले आए। नेज़ एक दूसरे मौके पर इशाद है और उसमें ज़रा भी मुबालगा नहीं है। वलो अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन वल्बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और अगर ज़मीन में जितने भी दरख्त हैं उनके कलम बन जाएँ, समंदर का पानी रोशनाई बन जाए, इसके बाद मज़ीद 7 समंदर ले लिए जाएँ, तब भी अल्लाह की बातें ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह तो बड़ा ही गालिब और दाना बीना है, जिसकी तख्लीक़ात एक से बढ़कर एक निराली और रंग बिरंगी होती हैं। पानी और दीगर लवादिमाती ज़िंदगी। अजराम समावी के मुतालिक मस्कुरवाला हमागीर कुल्लिया यानि तबई व फितरी अहवाल व कवाइफ का बाहमी अख्तलाफ को जहन नशी कर लेने के बाद अब हज़ब-ए-ज़ैल आयत करीमा का मुताला कीजिए। इसमें रुबूबियत के 2 अहम तरीन राज़ों को बेनक़ाब कर दिया गया है। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन फ़मिन्हुम मन यमशी अला बत्निहि व मिन्हुम मन यमशी अला रिजलैन व मिन्हुम मन यमशी अला अरबा यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। यानी अल्लाह ही ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। इसमें से कोई पेट के बल चलता है जैसे हशरात, कोई 2 पैरों पर चलता है जैसे इंसान और परिंदे, और कोई 4 पाँवों पर चलता है यानी चौपाए। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, यानी 4 पैरों से ज़ायद भी अता कर सकता है। यकीनन अल्लाह हर चीज़ के पैदा करने पर कादिर है। इस आयत करीमा में उसूली हैसियत से दाबा की फ़लसफियाना तकसीम की गई है। यानी दाबा का इतलाक़ इंसानों के अलावा चरिंदों, परिंदों, दरिंदों और हर किस्म के हशरात पर होता है। ये एक कुलिया हुआ। और दूसरा कुलिया ये बयान किया गया है कि इन तमाम अनवाय हयात की तख्लीक़ पानी से हुई है। यानी आगाज़ हयात की रूह से भी, नुत्फ़े से वजूद में आने के लिहाज से भी, नखर माया यानी प्रोटोप्लाज्म का बुनियादी जुज़ होने की हैसियत से भी, और ख़ुद पूरी ज़िंदगी का दारोमदार पानी पर होने की रियायत से भी, गर्द जिस हैसियत से भी नज़र डाली जाए, ये एक साइंटिफिक और सदाकत से भरपूर कुलिया नज़र आता है। इस लिहाज से पानी दाबा की ज़िंदगी और उसके वजूद के लिए जुज़ लाइनफ़क की हैसियत रखता है। अब दाबा जहाँ भी हो वहाँ पर पानी का पाया जाना ज़रूरी है, और पानी के साथ ही तमाम दीगर लवादिम हयात, पेड़ पौधे वगैरह भी आधमकते हैं। अब चूँकि ज़मीन और अजराम समावी दोनों में दाबा का वजूद मुश्तरक है, इसलिए वहाँ पर पानी और दीगर लवादिम हयात का होना ज़रूरी है। और जिन अजराम में दाबा, पानी और दीगर लवादिम हयात पाए जाते हों, उन तमाम को इब्तदाई आयात की तशरीह के मुताबिक अर्ज़ से मौसूम किया जा सकता है। गोया कि इस वसी कायनात में बेशुमार ज़मीनें मौजूद हैं। अजराम समावी में पानी हासिल ले के चूँकि हज़ब-ए-ज़ैल आयत के मुताबिक दीगर सैयारों में भी दाबा का वजूद पाया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर भी पानी का वजूद लाजमी है। वमिन आयातिही ख़ल्क़ुस्समावाति वल अर्ज़ वमा बस्स फ़ीहिमा मिन दाब्बा। और उसके निशानात में से ज़मीन और अजराम समावी का पैदा करना और उन जानदारों का फैलाना है। वाज़ेह है कि दाब्बा लुग़त की रूह से चलने फिरने और रेंगने वाले जानवर को कहते हैं, क्योंकि दब्बा या दुब्बू के माने रेंगने के हैं, और दाबा इसमें फ़ाइल का सेगा है यानी चलने वाला, जिसमें ता वहदत की है। मगर आइम्मा लुग़त की तसरीह के मुताबिक इसका इतलाक़ उमूमन हर किस्म के जानदारों पर होता है, और सूरह नूर की मज़कूरा बाला आयत भी इस पर बखूबी रोशनी डाल रही है। इस लिहाज से दाबा का इतलाक़ ये खलवी यानी यूनिसेलुलर जानदार मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम मसलन अमीबा और बैक्टीरिया वगैरह से लेकर एक बड़े से बड़े जानदार मसलन हाथी और व्हील वगैरह पर भी हो सकता है। गर्ज़ मस्कूरा बाला तसरीहात के मुताबिक माँ और दाबा या पानी और जानदार लाजिम और मलजूम हैं, जिनमें चोली दामन का साथ है, और इसकी तायद हज़ब-ए-ज़ैल आयत से भी होती है। अवलम यरल लज़ीना कफ़रू अन्न अस्समावाति वल अर्ज़ कानता रतक़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई अफ़ला युमिनून। क्या उन मुनकिरीन खुदा ने मुशाहदा नहीं किया कि इब्तदा में ज़मीन और अजराम समावी आपस में मिले हुए थे, यानी इन तमाम का मादा बाहम गुथा हुआ था, जैसा कि साइंटिफिक नज़रिया है। बस हमने उनको बिखेर दिया, यानी उनके मादे को मुंतशिर कर दिया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ कुर्रे बन गए, और हमने पानी ही से हर जिंदा चीज़ की तख्लीक़ की है। तो क्या ये मुनकरीन ईमान नहीं लाएंगे? यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि ज़मीन के साथ साथ अजराम समावी की तख्लीक़ का तस्करा भी मौजूद है, जिसके मान बात साफ साफ तस्रीह कर दी कि ज़िंदगी या जिंदा शय हर किस्म का प्रोटोप्लाज्म, खा व हैवानात का हो या नबातात का, जिसका अक्सर हिस्सा पानी पर मुश्तमल होता है, महज पानी ही की बदौलत ज़ुहूर पजीर होती है। इसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि हमारे ज़मीन की तरह दीगर अजरा में फलकी के तमाम जानवरों की अफरीनिश में पानी एक बुनियादी और लाजमी जुज़ की हैसियत रखता है। वाज़ेह रहे कि सूरह नूर की आयत खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन, उसने हर जानदार को पानी से पैदा किया के मुताबिक इस बात का एहतमाल था कि चूँकि लफ्ज़ कुल का इतलाक़ कभी कभी अक्सरियत के लिए भी बोल दिया जाता है, इस्तक़राए नाक़िस के तौर पर, लिहाजा हो सकता है कि बाज़ दाब्बा इस हमागीर कायदे से मुस्तस्ना भी हों, यानी बाज़ की तख्लीक़ पानी से ना हुई हो। मगर ज़ेर बहस आयत ने यह एहतमाल दूर करते हुए पूरी सराहत कर दी कि हर जानदार पानी ही से पैदा किया गया है, इसमें कोई शस्सा नहीं। ज़ाहिर है कि यहाँ पर मिनल मा मुतल्लिक़ फ़ेल को कुल्लु शैइन हई यानी मफ़ूल बिही पर मुक़द्दम रखा गया है, और अरबी ज़बान में कायदा है कि जिस बात पर ज़ोर देना मकसूद हो तरतीब में उसको मुक़द्दम रखा जाता है। जैसे इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन में, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यहाँ पर हस्र का ये फ़ायदा ज़मीर इयाका को मुक़द्दम रखने के बाइस हासिल हो सका है, वरना सादा सूरत में नअबुदु का व नस्तईनु का में ये फ़ायदा हासिल ना होता। हासिल ये कि पानी से तमाम अनवाय हयात का वजूद में आना एक हमागीर कुल्लिया कानून कुदरत है, इसमें कोई शस्सा नहीं, ख्वाह ये जानदार कुरे अर्ज़ पर पाए जाएँ या अजराम समावी पर। रुबूबियत के मज़ाहिर इसी तरह एक दूसरे मौके पर इरशाद रब्बानी है, व लक़द खलक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ व मा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन व अंज़लना मिनस्समाइ माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून फ़अंशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाब लकुम फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरा व मिनहा तअकुलून व शजरतन तख़रुजु मिन तूर सेना तंबुतु बिद्दुहन व सिबग़िल लिलआकिलीन व इन्ना लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा व लकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरा व मिनहा तअकुलून व अलैहा व अलल फ़िल्कि तुहमलून। और हमने तुम्हारे ऊपर 7 राहें यानी 7 आसमान पैदा कर दिए हैं, और हम अपनी मखलूक़ से जो इन 7 आसमानों और उनके तहत आने वाले मुख्तलिफ़ अजराम में फैली हुई हैं गाफिल नहीं हैं। और हमने आसमान से एक मुअय्यन मक़दार में पानी बरसाया, फिर उसको ज़मीन पर ठहराया, और इस पानी को गायब भी कर सकते हैं। फिर हमने इसी पानी से तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग उगाए, और तुम्हारे लिए इन बागों में दूसरे बहुत से फल मुहैया किए, और तुम उन बागों में खाते हो। इसके अलावा हमने एक दरख्त जैतून भी उगाया जो तूर सेना में उगता है, वो तेल और खाने वालों के लिए सालन लेकर बरामद होता है, और यकीनन तुम्हारे लिए चौपाइयों में भी एक बड़ा सबक मौजूद है। चुनांचे हम इनके पेट में मौजूद मखलूत चीज़ों में से एक ख़ास चीज़ यानी दूध एक हैरतअंगेज़ तौर पर निकाल कर तुम्हें पीने के लिए देते हैं, और तुम्हारे लिए इन चौपाइयों में बहुत से फ़वायद भी हैं, और तुम इन्हें खाते भी हो, और इन चौपाइयों पर और कश्तियों पर सवार भी किए जाते हो। यह है अल्लाह की रुबूबियत का एक नज़ारा और उसकी मखलूक़ परवरी का एक मंजर। ये बड़ा ही हकीमाना और बलीग़ अंदाज़े बयां है जो इशारों ही इशारों में असरार कायनात को खोल कर रख देता है। चुनांचे यहाँ पर 7 आसमानों का जिक्र करके नमूने के तौर पर सिर्फ हमारे कुर्रे अर्ज़ के सामान्य मईशत की तफसील की गई है। ये सियाक़ साफ साफ इस बात की निशानदही कर रहा है कि दूसरे जहानों में भी जहाँ दाबा मौजूद हो इसी किस्म का या इससे मिलता जुलता निज़ाम रुबूबियत कार फरमा है। और ख़ुद वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, और हम अपनी मखलूक़ से गाफिल नहीं हैं का मुक़्तज़ा भी यही है। ये बात काबिल लिहाज है कि कुरान हकीम में असरार कायनात और राज़-ए रुबूबियत का बयान उमूमन इशारों किनायों की ज़बान में बयान किया जाता है, ताकि साइंसी नुक़्ते नज़र से 1400 साल पहले की गैर तरक्की याफ्ता अक़वाम को कोई उलझन भी ना हो, और वक्त आने पर यह हक़ायक़ गौर ख़ौज़ की बदौलत बेनक़ाब भी हो जाएँ। अजराम समावी में धूप छाँव हज़ब ज़ैल आयत करीमा इदराज़ निहा पर से पर्दा उठा रही है कि मुख्तलिफ़ अजराम समावी में जो ज़िंदगी के मज़ाहिर से मालामाल हों धूप और साये का निज़ाम भी कार फरमा है। बालफाज़ दीगर हर जहाँ के लिए एक सूरज भी होता है। वलिल्लाहि यसजुदु मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहा व ज़िलालुहुम बिलग़ुदुवि वल आसाल। ज़मीन और आसमानों में जो भी है सब के सब खुशगवारी या नागवारी के साथ सुबह शाम अल्लाह ही के आगे सजदारेज़ हैं, और उसके साये भी सरबसजूद हैं। यहाँ पर साया ज़िलाल के लफ्ज़ से इस हकीकत पर रोशनी पड़ती है कि अजराम समावी में भी धूप छाँव मौजूद है जो बग़ैर किसी सूरज के मुमकिन नहीं। इससे पिछले सफ़ात में मज़कूर इस नज़रिए की भी तायद होती है कि हर निज़ाम शमसी में कोई ना कोई ऐसी ज़मीन भी होगी जो गर्मी व सर्दी के लिहाज से मतदिल और ज़िंदगी के लिए साजगार हो, जैसे हमारी ज़मीन जो ना तो अतारुद और दोहरा की तरह बे इंतहा गर्म और न मरीख़ व मुश्तरी और नपचू व प्लाटों की तरह बे इंतहा सर्द है।